चुनाव के करीब आते ही आरक्षण के इर्द गिर्द राजनीति होने लगती है। बीजेपी के सवर्ण आरक्षण के बाद अब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कार्ड चल दिया है। सूबे की सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद साफ है कि अब इस दांव से पार्टी अब ओबीसी वर्ग का दिल जीतने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश में चुनावी दंगल जीतने के लिए सभी दल एक दूसरे की रणनीतियों की कार्ड ढूंढने में जुटे हैं। जहां बीजेपी कैश कार्ड से कांग्रेस की किसान नीति की कार्ड निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के कोटे की कार्ड कोटे से ही निकाली है। बीजेपी के सवर्ण आरक्षण के दांव के जवाब में कांग्रेस ने ओबीसी को रिझाने के लिए बड़ा आरक्षण कार्ड खेला है। सूबे में अब ओबीसी वर्ग को 14 की जगह 27% आरक्षण दिया जाएगा। 6 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। वहीं अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, यानी अब ओबीसी वर्ग को ज्यादा आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। चुनाव से पहले इसे कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 49% है, जो चुनाव में पार्टियों को जीत दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाती है। साल 2014 में बीजेपी ने इन्हें अपने पाले में कर 29 लोकसभा में से 27 पर कब्जा जमाया था, मगर इस बार कोटे से कांग्रेस को फायदा मिलने की संभावना ज्यादा है। इन्हीं संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए कांग्रेस ने सवर्ण आरक्षण को अटकाकर बीजेपी के दावों को फेल कर दिया। सूबे में मोदी सरकार के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण को अब तक लागू नहीं किया गया है। कमलनाथ सरकार ने इसके लिए एक समिति बना दी है, जो इसका अध्ययन कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आरक्षण की नीति लागू हो जाएगी। लेकिन चुनाव से पहले ये संभव होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस की कोटे की काट ने बीजेपी के दम को बेदम कर दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।